करीब 33% शहरी आबादी हाइपरटेंशन की चपेट में है, खासकर युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं। लेकिन चिंता यही नहीं रुकती, दरअसल हाइपरटेंशन के शिकार 90% लोगों को पता ही नहीं होता कि वो इस साइलेंट किलर बीमारी की गिरफ्त में है। ऐसे में आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर हम इसी पर चर्चा करेंगे, हाइपरटेंशन की वजहों और इसके खतरे को समझेंगे, साथ ही से बचने के उपायों पर भी करेंगे। मेरा नाम है दीपक डोभाल, इस रिपोर्ट के बाद मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। हाइपरटेंशन यानी एक साइलेंट किलर बीमारी, लेकिन अब यही साइलेंट किलर बीमारी तेजी से न केवल युवाओं को बल्कि ग्रामीण इलाकों को भी अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है। आंकड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि देश के करीब 33% शहरी आबादी और करीब 25% ग्रामीण आबादी इस बीमारी की चपेट में है। ये तो रही हाइपरटेंशन की बात, लेकिन इससे बड़ी टेंशन ये है कि देश की 30% युवा आबादी प्री हाइपरटेंशन की चपेट में है। तो आखिर ये बीमारी इतनी तेजी से क्यों पैर पसार रही है, जानना चाहेंगे आप, तो सुनिए। इस बीमारी के करीब 90% मामलों की वजह खराब लाइफस्टाइल और बेतरतीब खान पान है। हाइपरटेंशन क्या है और क्यों ये महामारी का रूप लेता जा रहा है, इसे भी समझना होगा। ये दो प्रकार का होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन को कॉमन माना जाता है, ये जेनेटिक फैक्टर्स, खराब खान पान, फिजिकल एक्टिविटी में कमी, मोटापा, तनाव जैसी वजहों से हो सकता है। जबकि सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉमन नहीं होता है और किसी मेडिकल कंडीशन जैसे किडनी प्रॉब्लम या थायराइड डिसऑर्डर के चलते हो सकता है। पिछले 5 साल में हाइपरटेंशन के मरीजों में 15% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन क्या इसे लेकर लोगों में जागरूकता है, शायद पूरी तरह से नहीं। तभी तो देश में हाइपरटेंशन के शिकार करीब 90% लोगों को पता ही नहीं होता कि वो इसकी जद में है। महज 10% लोग ही नियमित तौर पर इसकी दवा लेते हैं। अब हाइपरटेंशन के लक्षणों की बात करते हैं। सिर दर्द, सांस फूलना, थकान या भ्रम, छाती में दर्द, पसीने आना, घबराहट होना और धुंधला नजर आना इसके कुछ खास लक्षण हैं। वहीं इसके बचाव की बात करें तो नशे में खासकर सिगरेट और शराब के सेवन से बिल्कुल परहेज करें। खुद को फिजिकली एक्टिव रखने के अलावा रोजाना कम से कम आधा घंटे ब्रिस्क वॉकिंग या एक्सरसाइज भी हाइपरटेंशन को दूर रखता है। तले भुने मसालेदार खाने, फास्ट फूड से बिल्कुल बचें। डाइट में कम फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट के अलावा हरी सब्जियां और फल शामिल करें। खाने में ऊपर से नमक कतई ना लें। नमक की डेली खुराक 5 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। बॉडी के वजन को बढ़ने ना दें, यानी मोटापे से बचें। साथ ही हर 3 महीने पर कम से कम एक बार बीपी जरूर चेक कराएं। ये कुछ आसान उपाय हैं जो आपको हाइपरटेंशन से दूर रखने में आपकी मदद करेंगे। फिलहाल हाइपरटेंशन के चलते हार्ट डिजीज के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। वही इस भ्रम में तो कतई न रहे कि कम उम्र में ये बीमारी नहीं हो सकती। खासकर 30 से 50 साल के बीच के लोगों में हाइपरटेंशन के मामले तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में हाइपरटेंशन पर कंट्रोल के लिए जरूरी है कि अगर इससे जुड़े कोई भी लक्षण दिखते हैं तो तत्काल डॉक्टर से मिलें, बीपी चेक कराएं, क्योंकि अवेयरनेस और एहतियात ही इस बीमारी से बचने का सबसे बड़ा हथियार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।